आजमगढ़ के नए एसपी अनुराग आर्य ने देर रात कार्यभार ग्रहण कर लिया। अभी तक आजमगढ़ के एसपी रहे सुधीर कुमार सिंह का शासन ने दो दिन पूर्व आगरा तबादला कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए अनुराग आर्य ने कहा कि जिले के थानों पर शिकायतें सुनी जाएंगी, 7 दिनों के भीतर थानों की तस्वीर बदल जाएगी, काम करने वालों को मौका दिया जाएगा और लापरवाह कर्मचारियों को हटाया जाएगा। एसपी ने कहा कि इन व्यवस्थाओं से जनता की समस्याओं का समाधान हो सकेगा, मुकदमा लिखने में पुलिस की तरफ से देरी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही थानों पर अब NCR नहीं दर्ज होगा। थानों से आने वाली शिकायतों के आधार पर इंस्पेक्टर के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा, देखा जाएगा कि वह जनता की समस्याओं के प्रति कितना गंभीर हैं। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जिले में गोकशी की घटनाओं, आपराधिक घटनाओं, अवैध शराब की तस्करी आदि की रोकथाम के लिए जल्द ही एक नंबर जारी किया जाएगा। इस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकेगा। शिकायत की जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम व पता पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसके साथ ही अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को तोड़ा जाएगा। अनुराग आर्य 2013 बैच के IPS अफसर हैं। आजमगढ़ जिले से पूर्व अमेठी, बलरामपुर, मऊ व प्रतापगढ़ में तैनात रह चुके हैं। अभी तक बरेली में SP इंटेलिजेंस के पद पर तैनात थे, जहां से आजमगढ़ SP बनकर आए हैं। मऊ में तैनाती के दौरान मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर अनुराग आर्य चर्चा में आए थे।